ये कभी कभी देखने में स्कूटी लगती है, कभी कभी बाइक लगती है, और कभी कभी ये बिक्की टाइप में लगती है। आखिर है क्या है असल में ये? सर ये आप ये समझ लीजिए एक नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन है जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। वो आपको बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करना है तो आपको बस ये सीट रिमूव करना होगा। ये सीट रिमूव करने के बाद आपको जो भी अटैचमेंट लगाना है ये इतना मॉड्यूलर है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आप अटैचमेंट इसमें जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है रन फॉर ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में हूं, ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट है और यहां पर ऑटो एक्सपो 2023 लगा हुआ है। इस ऑटो एक्सपो 2023 में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, लेकिन जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की आज मैं बात करना चाहूँगा, जिन स्कूटी की आपसे आज मैं बात करना चाहूँगा, ये बेहद खास है और पूरे इस ऑटो एक्सपो में मुझे इससे बेहतरीन लुक किसी का नहीं दिखाई दिया। तो इनमें क्या खास बात है, कहाँ पर इन्हें यूज कर सकते हैं, कितनी इनकी वारंटी है, कितने इनके प्राइस है और इनमें बैटरी कौन सी यूज की गई, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इस पूरे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आने के लिए हमारे पास। सर कंपनी का नाम बताएं प्लीज अपना। कॉरिट इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड नाम है मेरा नाम निशान कपूर है। मैं एक कंपनी का को फाउंडर डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी हमने 2020 में बनाई थी और इसका कम्प्लीटली फोकस है इस गाड़ी को बनाने का कि जो डिलीवरी वाले जो छोटे व्यापारी हैं उनकी डे टू डे लाइफ में अपब्रिंगिंग हो, उनको ये गाड़ी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर सके और उसी वक्त एक ये उनके परिवार के लिए भी ये गाड़ी हो सके। सर मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसका मॉडल ये तैयार किया है, इतना बेहतरीन मॉडल मुझे कोई कहीं ना दिखाई दिया। तो इतना बेहतरीन जो मॉडल है आपने पहली बार लॉन्च किया सर, इससे पहले भी कोई लॉन्च कर चुके हैं? ये हमारी पहली मॉडल लॉन्च हुई है ऑटो एक्सपो में, 11 जनवरी को लॉन्च हुई है। ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया इस पर 2 साल इस पूरे डिज़ाइन को बना के इसको फाइनल रूप में लाने के लिए। सर इसी तरह का मॉडल क्यों डिजाइन किया, क्या खास बात की है इसमें? सर इसमें बहुत सारी खासियत है। ये डिलीवरी क्यों सेंट्रिक होके इसमें हम लोगों ने बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इस गाड़ी के पास 17 लीटर का बूट स्पेस है इसमें। इसके अंदर भी स्पेस है? 17 लीटर का बूट स्पेस है। अच्छा। आराम से इस पर आप 17 लीटर तक का सामान रखते हैं, छोटा हेलमेट आराम से आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसका पीछे का सीट रिमूवेबल है, सीट रिमूव करके आप कुछ भी लगाना चाहो। अगर किसी को एक फ्लैट बेड लगाना है जिसपे आपको शाम को चाय की टपरी बनानी है तो चाय की टपरी मिल जाएगी। एक इंडक्शन चल सकता है, एक फ्रिज चल सकता है। आप 90 किलो तक का वजन पीछे डाल सकते हैं, पूरी गाड़ी 250 तक का वजन ले सकती है। टॉप स्पीड इसकी 70 मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं। प्लस इसकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करूँगा वो लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है। 2.8 किलोवाट आवर का बैटरी है और एक बार बैटरी पूरी चार्ज होने पे ये गाड़ी 125 किलोमीटर चलती है। हमने 3 स्पीड मोड दिया है, 1, 2, 3। एक नंबर पे 40 चलती है और मैक्सिमम 3 नंबर पे 70 किलोमीटर की स्पीड चलती है। अच्छा सर, पूरी तरह से आपने बनाई है सर, ये कमर्शियल पर्पस से बनाई है पूरी तरह से? ये कमर्शियल पर्पस से बनाई हुई है। आज के टाइम पे जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको पैसा बचाने के लिए जिस रफ्तार से पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अगर एक गाड़ी उनको 20 रुपये में 125 किलोमीटर दे रही है तो इससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्मल आईसी इंजन वाले जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें 125 किलोमीटर चलाने के लिए उनको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, पर इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ 125 किलोमीटर चलाने के लिए उनको सिर्फ मात्र 20 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर जो बैटरी यूज की गई है आपने और इसके अंदर साथ आप चार्जर भी देते होंगे, तो वो चार्जर इस बैटरी को कितनी देर में चार्ज कर देगा? टोटल ये बैटरी जो फुल चार्ज करने में 4 घंटे का समय लग जाता है। हमने बैटरी चार्ज करने का पोजीशन यहीं पे ऑनबोर्ड चार्जिंग दिया हुआ है, यहीं से आप चार्जिंग लगाइए। नॉर्मल घर के जो 16 एम्पियर के सॉकेट होते हैं उससे ही चार्ज हो जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको घर में तब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। अच्छा सर, और इसमें क्या क्या फीचर दिए हैं? सर इसमें एक फ़ीचर बहुत ही जो अच्छी बात है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आवाज़ नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है अगर ऑन रह जाती है गाड़ी, जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कई बार गाड़ी ऑन रह जाती है और आवाज़ ना आने की वजह से कोई भी गलती से भी एक्सीलेटर दे दो तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है गाड़ी। तो हमारे फीचर में एक पी करके पार्किंग मोड है जी। इस बटन को अगर हमने दबा के रखा 15 सेकंड के लिए तभी गाड़ी एक्टिवेट होगी। अच्छा, 15 सेकंड तक दबाएंगे तो एक्टिवेट होगी, अदरवाइज गाड़ी पार्किंग में ही चली जाएगी तुरंत रुकते ही। अच्छा, कुल मिलाकर जैसे घर पे खड़ी है, चाबी ऑन है, कोई बच्चा अगर छेड़ दे तो आगे भाग जाएगी, तो वो हादसा बच जाएगा इससे? हादसा बच जाएगा, एक ये सेफ्टी है। प्लस इसके बाद हमने फॉरवर्ड रिवर्स का दिया हुआ है, रिवर्स की फैसिलिटी भी है गाड़ी में। अच्छा, रिवर्स हो जाएगी गाड़ी? रिवर्स हो जाती है जी। इसके अलावा बाकी सारे ही नॉर्मल जो फीचर्स चाहिए होते हैं। हमने एक स्पेस दिया हुआ है अमूमन लोगों को, जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं जो डिलीवरी करते हैं कपड़े या फिर फ्लिपकार्ट या इन लोगों के लोग, उन लोगों को एक पेपर और पेन मेंटेन करना पड़ता है। अगर आज के दौर में देखेंगे तो वो अपनी पेट्रोल की टंकी के ऊपर रबर बैंड लगा के उसको रखते हैं। तो ये भी एक फीडबैक आया था जब हमने सर्वे किया था, तो हमने एक स्पेस बनाया है डेडिकेटेड जहाँ पे वो पेन पेपर अपना मोबाइल फ़ोन रख सके और मोबाइल को भी कंटिन्यूस चार्ज कर सके इस पर। अच्छा, जैसे मोबाइल का चार्ज करने का USB भी है? USB का भी हमने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे यहीं पे USB से चार्ज कर सकते हैं मोबाइल जी।
अच्छा सर, ये और बताएं कि ये जैसे आपने लॉन्च किया तो मार्केट में आ चुकी है या आने वाली है? सर, ये मार्केट में हमने लॉन्च 11 जनवरी को ऑटो एक्सपो में ही किया हुआ है। अभी ये प्री प्रोडक्शन मॉडल में है। गाड़ी आपको मई से मार्केट में उपलब्ध रहेगी। अभी इसका प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग चल रही है। प्रोडक्शन आपका मई से स्टार्ट होगा। इसकी कीमत भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही कम कीमत पे आफ्टर सब्सिडी सिर्फ 85,000 रुपये का मिलेगा। अगर इसके ऊपर स्टेट सब्सिडी है तो वो उसके ऊपर मिल जाएगा। तो अगर मैं दिल्ली का बोलूँ तो दिल्ली में ये गाड़ी आपको 70,000 से 75,000 रुपये के बीच में मिलेगी। मिल जाएगी सर इतने में? इसके 70,000 से 75,000 रुपये में आपको ये वाला मॉडल प्राप्त होगा। अगर इसके ऊपर कोई भी डिलीवरी अपने व्यापार के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी लगाना चाहता है उसकी कीमत 2,000 से लेके 20,000 तक अलग से पड़ेगी। अच्छा सर, इन दोनों मॉडलों में डिफरेंस है कुछ? इन दोनों मॉडल में कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि ये एक फैमिली गाड़ी है, ये एक बिजनेस गाड़ी के तौर पर देखा जाता है। तो एक बार सर इसे देख लें जी। अच्छा, ये फैमिली गाड़ी है। अच्छा, इसमें जो दो सीट ये दी है तो कोई भी आसानी से मतलब एक आगे बैठ सकता है, जो ड्राइवर वो चलाएगा, बाकी पीछे कोई भी बैठ सकता है? जी जी, इसमें आप अपने परिवार को आराम से लेके जा सकते हैं। अगर इसी गाड़ी को आपको बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करना है तो आपको बस ये सीट रिमूव करना होगा। ये सीट रिमूव करने के बाद आपको जो भी अटैचमेंट लगाना है, ये इतना मॉड्यूलर है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आप अटैचमेंट इसमें जोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। सर, ये कभी कभी देखने में स्कूटी लगती है, कभी कभी बाइक लगती है और कभी कभी ये बिक्की टाइप में लगती है, आखिर है क्या है असल में? सर, ये आप ये समझ लीजिए एक नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन है, जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, जो कि एम्पावर करेगा आज के नॉर्मल डिलीवरी वालों को, जो नॉर्मल स्कूटी टाइप गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं और वो बाइक भी चलाना चाहते हैं और कुछ फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चलाना चाहते हैं। अच्छा सर, इसकी वारंटी क्या है खड़े लेते? इस पूरी गाड़ी पे 1 साल की वारंटी दी जा रही है, बैटरी पे 3 साल की वारंटी दी जा रही है। 1,000 साइकिल के करीब हम बैटरी की वारंटी देंगे। सर, इसकी बुकिंग कब से शुरू होगी? आप बुकिंग मई से आप लेना चालू कर सकते हैं, मई 2023 से। अच्छा, तो सर कोई वेबसाइट वगैरह हो जहाँ से लोग संपर्क कर सकें? हमारे वेबसाइट corettelectric.com है। www.corettelectric.com, जो कि हम लोग अपना अप्रैल एंड से ही उस पर बुकिंग लेना चालू कर देंगे। अच्छा सर, कोई कस्टमर केयर नंबर भी हो जिससे लोग? कस्टमर केयर नंबर भी वहीं पे मिल जाएगा, 1800 120 7007। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।